सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपॉन इंडिया का निफ्टी ऑटो ईटीएफ, जो कि ऑटो सेक्टर को कवर करता है। तो आज के दिन हम इसी ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस ईटीएफ में नई बाइंग करना चाहते हैं, यानी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी इसमें बाइंग है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो यही सब कुछ क्वेश्चन को देखेंगे इस आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ऑटो ईटीएफ हमने खोल रखा है और इसका प्राइस आज की डेट में 131 रुपये 27 पैसा देखने को मिल रहा है। और इसे अगर हम पिछले एक वीक के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं, तो आपको यहाँ पे 1.184% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी अगर 1 मंथ के चार्ट में हम नज़र डालते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 6.91% की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल गए हैं पिछले एक महीने में। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके पोर्टफोलियो पर एक बार नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, फिर बात करेंगे इस ईटीएफ के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें 15 स्टॉक हैं, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाया था तो आपको पता होगा। और फिर बात कर लेते हैं, इसमें जो मेन होल्डिंग है उनको देख लेते हैं जरा एक बार। मारुति सुजुकी इंडिया है, जिसकी की होल्डिंग है 19% इस ईटीएफ में, 19.5% के आसपास कह सकते हैं। बाकी दूसरा जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसकी 18.24% की होल्डिंग है इस ईटीएफ में। बाकी टाटा मोटर्स 13.03%। तो मोटा मोटी ये 3 स्टॉक्स जो हैं ऊपर के, उन्हीं में इनकी वेटेज ज़्यादा है, फिर बाद में जो स्टॉक्स हैं उनकी कम वेटेज है। बजाज ऑटो, आयसर मोटर्स में फिर कम कम है। जो 10 के ऊपर होल्डिंग है वो इन्हीं 3 स्टॉक्स की है। तो चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि इन 3 स्टॉक्स में क्या कुछ घट रहा है। तो जैसा कि ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमने इसी निपॉन इंडिया का ऑटो ईटीएफ खोल रखा है। तो जल्दी से नीचे एक बार आके देख लेते हैं इनके स्टॉक्स किस हाल में चल रहे हैं। तो जैसा कि इनकी टॉप 3 होल्डिंग हमने अभी बताया, और चलिए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, और पिछले एक महीने में इनके क्या कंडीशन चल रही है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पिछले एक महीने में भी देख सकते हैं 4.61% की तेज़ी है, और अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है मारुति सुजुकी ने। और एक बार दूसरे स्टॉक्स भी देख लेते हैं, और आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। और तो इसके चार्ट में अगर हम एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं दोस्तों एक महीने में, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एक डाउनफॉल के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लगभग आपको ऑटो सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली है। आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे तकरीबन 28 मार्च के बाद इस जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर का, उसमें एक तेज़ी देखने को मिली है, और अभी तक लगातार तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। और बाकी एक बार लास्ट में हम तीसरा स्टॉक जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, पर पिछले एक महीने में देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जा रही है। इसमें तो बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही है, 13% की तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी। तो चलिए वापस से आते हैं ऑटो 20। तो पिछले एक महीने में हमने देखा कि इसमें लगभग, अगर एकदम डिप से बात करेंगे, तो लगभग आपको 8, 8.5, 9% की तेज़ी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने वीडियो इसको बनाया था इसी ईटीएफ के बारे में, कुछ ही दिन पहले कवर किया था, जब इसका प्राइस चला था 123 रुपीज़ के आसपास। तो उस समय हमने कहा था कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 130 रुपीज़। तो ये अब 130 को भी तोड़ के ऊपर जा चुका है, ये है अब 131 रुपये 46 पैसे पे। तो यानी जिस लेवल पर हमने बाइंग का बताया था, मतलब कि आज से 15-20 दिन पहले जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी, तब इसका प्राइस 123 के आसपास चल रहा था, करीबन यहाँ पे था वो। और वहाँ से लेवल से देखेंगे तो 6.5% या 6% के बीच का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी उसके बाद थोड़ा सा नीचे और भी गया था, अगर किसी ने यहाँ भी बाई किया होगा तो यहाँ से तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी अगर किसी ने 120 के आसपास बाई किया है, तो लगभग 8-9% का रिटर्न ईजिली उसको देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बनाए थे, तो 6 से 10% के बीच में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देखने को मिल रहा होगा, अगर आप यहाँ तक होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से बनाई थी पोजीशन, तो आप इजीली इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आपको 8 से 10% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा मौका है। बाकी जैसा कि हमने आपको दिखाया, जो स्टॉक्स थे इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल गई है, तो इसमें हो सकता है इस समय या आने वाले 1-2-4 दिनों में या हफ्ते भर में कुछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो और बाकी ऑटो सेक्टर में कई स्टॉक्स का भी Q4 का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो अगर कहीं किसी का अगर Q4 रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो फिर वहाँ से फिर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अभी कई कंपनियों के Q4 रिजल्ट आने बाकी हैं ऑटो सेक्टर से, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई थी, तो आपको ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न मिल गए हैं, तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन थोड़ी सी काट सकते हैं या
प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इस ETF में तो आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी, खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई थी तो आप कुछ हद तक अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है और साथ ही Q4 के रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बाकी अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो निफ्टी में ऑटो सेक्टर का वेटेज है वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5% के आसपास का ही वेटेज है निफ्टी में ये ऑटो सेक्टर का, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपको जो भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, खैर अभी फ्रेश एंट्री तो अवॉइड करिएगा इस ETF में, क्योंकि अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा रुकिएगा। अगर कुछ गिरावट आती है तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ देख लीजिए जो निफ्टी में इसका वेटेज है वो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे, 5% के आसपास का ही वेटेज है। तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं इस ETF में, उतना ही लगाना है जितना निफ्टी में इसका वेटेज है, यानी अपने पोर्टफोलियो का 5 से 6% के बीच में ही आप लगा सकते हैं। बाकी अगर बात कर लें 1 साल के चार्ट में, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका अगर 52 वीक हाई चेक करेंगे तो लगभग आप यहाँ देख सकते हैं 135 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लगभग ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही पहुँच गया है। तो अभी इस ETF में जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, पहला लॉट लगाना चाहते हैं, तो अभी हो सके तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि अभी इसमें 52 वीक हाई के पास है। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी ETF में अगर ETF एकदम 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पिछले 1 साल में अगर यानी 52 वीक लो से बात की जाए तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे 25% से ज़्यादा के रिटर्न आपको ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं ऑटो सेक्टर से, यानी ऑटो 20 ETF से। तो फिलहाल अगर जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो अवॉइड करें प्लीज़। और बाकी मार्केट में बहुत से ETF हैं जो आपको डाउन में मिल रहे हैं, आप जूनियर 20 को देख सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए, या फिर आप ITVs भी देख सकते हैं। बाकी इस ETF में आपको फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी है। बाकी आपको प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना चाहिए, आपको फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में इस ETF के बारे में अपडेट ऑटो सेक्टर के बारे में। तो खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।